आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। आई सेड दैट वी विल सरप्राइज यू, वेट फॉर दैट सरप्राइज। आई सेड दैट आवर रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट, सीट फॉर योर सेल्फ, द रिस्पॉन्स विल कम एंड रिस्पॉन्स विल कम डिफरेंटली। ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है, जारियत है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज बात जिस पे होगी, जो सुबह से हो रही है, जो कि वाज नॉट अ सरप्राइज, जिस तरह DGISPR ने भी कहा है, जिस तरह रिस्पांस भी दिया है, अभी तक जो कुछ भी हो रहा था पुलवामा अटैक, उसके बाद उन्होंने इतना ब्लेटेंटली ब्लेम किया पाकिस्तान को, कोई शवाहद सामने नहीं आए, कोई सबूत नहीं आया, बहुत तहम्मुल मिजाजी से इसका जवाब दिया गया, बहुत विजडम नज़र आया हमें जिस तरह इसको हैंडल किया गया, चाहे आर्मी ने, चाहे प्रेजिडेंट ने, चाहे मिनिस्टर्स ने, बहुत इसको जो है वाइजली हैंडल किया है। लेकिन शायद जो ख्वाहिश हमारी है अमन की, या जो तहम्मुल मिजाजी है, इसको वो समझ रहे हैं कि हमारी कमजोरी है। तो इसका जवाब जो है अब आगे, आज DGISPR ने कहा भी है कि यू हैव नॉट टेकन अस बाय सरप्राइज, जो आप यहां पर आए हैं और आप पता नहीं क्या समझ रहे थे कि आप क्रॉस करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल और आप आके क्या कुछ कर देंगे। यहां पर जो हमारे जाबाज सिपाही बैठे हैं, जो हमारी एयरफोर्स है, दे हैव फेस्ड यू और आप भागते हुए यहां से वापस गए हैं। और उसके बाद जो आपका मीडिया क्लेम कर रहा है कि हमने वहां पर पता नहीं कौन सा जो है मिलिटेंट कैंप था, ट्रेनिंग, उसको टारगेट किया है, ना वहां पर कोई शवाहद नजर आए हैं, ना कोई बंदा नजर आया है, ना वहां पर कोई चीज है, कैमराज वहां पे ऑलरेडी जा चुके हैं, टेलीकास्ट करके आपको दिखा भी जाए, तो इतना बड़ा बड़ा झूठ आप किस तरह बोल लेते हैं, ये तो वैसे भी बात समझ नहीं आती है। कहा यह जा रहा है अब कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड, हैज टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि सुप्रीमेसी के ऊपर अटैक है ये, और रिस्पॉन्ड किया जाएगा, लेकिन वक्त भी हम डिसाइड करेंगे कब करेंगे, एंड दे विल बी टेकन बाय सरप्राइज। एहतशाम साहब, आप मुझे बताइए कि आई थिंक सो, इवन दो पाकिस्तान स्टांस रहा है कि पीसफुल रेजोल्यूशन हो किसी भी मसले की, पीस टॉक्स हो, लेकिन अब जो ये हरकत की है इंडिया ने, जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की है 70 साल के बाद, आई थिंक सो, ये दोबारा जो है इस तरह का हुआ है, इसका रिस्पांस देना कितना ज़रूरी हो गया है, और आप हालात किस तरफ जाते हुए देखते हैं? देखिए सुंदस, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो इस वक्त बरस इख्तदार है, मोदी साहब जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देखने BJP जिस तरीके से इख्तदार में आई है और जिस तरीके से हिंदुआता इनकी RSS तंजीम है, जब से ये इख्तदार में आए हैं पूरे मुल्क में हिजान पैदा हुआ है। आप देखने के पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल इतने बुरे तरीके से चेंज हुई है, जो लोग इनके हक में थे, आप देखें बार बार आ रहा, 5 रियासतों में इलेक्शन इनका हुआ, चंद माह पहले वहाँ पे इलेक्शन अपना हारे वो, अब मई में और अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहा है 2019 इस साल, 5 साल के बाद, और मोदी साहब इतने डेस्परेट हैं कि शायद ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो आ जाके ये अपने चंद वोट्स के लिए पूरे नेशन को एट वॉर ले आएंगे। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा, चलें आपने बात कर दी तो मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जमीर, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक इंडियन ने आर्टिकल लिखा, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा। उसने कहा कि 2014 का जब हिंदुस्तान का इलेक्शन हो रहा था, तो दिल्ली में मैंने, मेरा एक नेबर है, उसने मुझसे पूछा कि जी आप बताएं आपके ख्याल में पाकिस्तान किस पार्टी को सपोर्ट करेगा हमारे इलेक्शन में। तो मैंने कहा मोदी को। कहने लगे क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मोदी को सपोर्ट करेगा? कहने लगे हाँ। उन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान मिल के जो है ना, शायद इंडिया की जो है ना, पूरी अपने मिलिट्री माइट के साथ इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो मोदी सिंगल हैंडेडली ख़ुद अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा, लिहाजा ये पाकिस्तान भी चाइना भी चाहेगा कि मोदी आ जाए। देखिए अब जो बदलते हुए हालात में हम सिचुएशन देख रहे हैं, जो आज हुआ, आधी रात को हुआ, उसके बाद से जी सिचुएशन इज़ सो स्केरी, इतनी फ्राइटिंग है कि अब जिस तरीके से आपने DGISPR का सुन लिया, ज़मीर ये जो कहा है, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और ये आप बैल मुझे मार वाली बात की, हिंदुस्तान ने आपने देखा कि पहली दफ़ा, पहला जो आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, इससे पहले जो दावा करते हैं वो तो सब ने कह दिया कि जी फजूल था, उसमें जाने नहीं थी, अपने लोगों ने मना कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान में आए हैं, अगर से दावा करते हैं हमारे जहाज 21 मिनट रहे, कहा जा रहा है 4 से 5 मिनट रहे, बाय द टाइम हमारे जहाज उड़े उसके बाद वो भाग गए वहाँ से, और वहीं पर अपना पेलोड फेंका और चले गए। देखें अब होगा क्या, ज़मीर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? देखिए दोनों सूरतों में मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है, और आज मैंने एक बड़े अहम बंदे से भी 2 मिनट 4 मिनट पहले बात की, तो मैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी कॉन्सिक्वेंसेस दोनों सूरतों में, अगर पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देता तब भी, जवाब देता है तब भी, जवाब देना तो हमारा बनता है, हमारा हक है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारी वॉयलेशन की है स्पेस की, सॉवरेंटी को चैलेंज किया है, और अगर हम नहीं जवाब देते तो बहुत सारे लोग हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं जो शायद हिंदुस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं, और वो बड़े खुश होंगे। और शायद
वो उनको यही लगे जो उनको हमेशा से लग रहा है कि हमारी कमजोरी है, कमजोरी। अब देखो है क्या, अब ज़मीर आज जिस तरीके से आपने देखा कि टॉप लेवल सेवरल मिलिट्री लीडरशिप मिलती है, वहाँ पे एक मैसेज ऑफ वननेस जाता है कि जी हम जवाब देंगे, हमारी पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जूतम बाजार है ना, आज भी हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी राहुल साहब जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको गालियाँ निकाल रहे हैं कि इन्होंने मरवाया, ये 44 आदमी जो मारे गए दलित थे, इन्होंने जान के मरवाया 10 दिन पहले, सिक्योरिटी ये लैप्स है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि जी हमें एयरलिफ्ट कर लिया जाए, नहीं किया उन्होंने। अब देखें आज जिस तरीके से सुंदर सा हमारी टॉप लेवल की मिलिट्री सिविल मिलिट्री लीडरशिप मिलती है और एक रिजॉल्व का इजहार करती है, उसी रिजॉल्व का इजहार आज हमारी पार्लियामेंट में हुआ। पार्लियामेंट से मुराद है नेशनल सर, आपने भी बात की है, डॉक्टर मारियो सेंसालस हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। अस्सलाम जी मैम, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आज जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है पाकिस्तान ने, जो DGISPR ने कहा है कि हम सरप्राइज करेंगे उन्हें, लेकिन अपना वक्त अपनी जगह जो है हम चूज करके रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको क्या लगता है कि रिस्पॉन्स देना तो अब जरूरी हो गया है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ग्रेव है? देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त जो दो चीजें इस वक्त हिंदुस्तान ने बाकी लोगों को नहीं बताई और ना ही इस वक्त दुनिया के सामने बात वाजे हो रही है। पाकिस्तान के अंदर आना दरअंदाजी करना एक बात है, अभी तक पाकिस्तान जो है सिर्फ दिफाई एतबार से किसी किस्म की अस्करी जवाबी कार्रवाई आपने नहीं दी है, लेकिन अगर आप अस्करी जवाबी कार्रवाई देते हैं तो हिंदुस्तान के लिए तीन सवाल उठे। पहली बात, क्या वो एक बड़ी जंग के लिए तैयार है? दूसरी बात, अगर आप गैर रवायती नासिर से रवायती जंग के साथ मुंसलिक करते हैं तो उसके जो मुजम्मरात हैं वो भी रवायती नासिर में आएंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब भी आप एक नदी सतह की जंग करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको सोचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल मोदी हुकूमत के लिए ये है कि अगर उनके जहाज अंदर आए हैं और अगर हम वो जहाज गिरा देते हैं तो उसका जवाब क्या है? अगर पाकिस्तानी जहाज वापस जाते हैं या आप इस किस्म की कार्रवाई वहां लेते हैं तो क्या हिंदुस्तान एक बड़ी जंग के लिए तैयार है? और अगर नहीं है तो आप किस तरह अपनी आवाम को और इस खत्ते की आवाम को एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं? और साथ साथ आप ये तासर दे रहे हैं कि शायद ये एक प्रियंटिव स्ट्राइक या प्रियंटिव स्ट्राइक के लिए कुछ अहदाफ का वाजे होना लाजमी है। जो तस्वीर दिखाई जा रही है उन तस्वीर के अंदर भी सिर्फ तेलों गिरा हुआ नजर आता है, आपके पास जो 300 बंदे जिनका वो क्लीन करके उन्होंने मारे वो किधर है? और उसके बाद आप ऑपरेशनल एरिया के अंदर बालाकोट इस किस्म की किसी भी एरिया के अंदर इस किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आप ये कार्रवाई करते हैं और आपके जहाजों को माल गिराया जाएगा तो हिंदुस्तान इसका क्या जवाब देगा अपने लोगों को? बिल्कुल, या उसके बाद ज्यादा बड़ी सॉटी के लिए तैयार है? बिल्कुल जी, डॉक्टर मारिया शाम बात कर रहा हूँ, ये बताइएगा कि अब जिस तरीके से अब बड़ा वाजे तौर पे पिछला जो अटैक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक था उसका तो उनके अपने मीडिया ने रिजेक्ट कर दिया था, उनके पॉलिटिशियन ने रिजेक्ट कर दिया था, अब ये एक्चुअल हैपनिंग हो गई है लाइन ऑफ कंट्रोल करके अंदर आके कार्रवाई करके, अगरचे जो दावा करते हैं उसके बिल्कुल उलट नज़र आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद हमें, सवाल मेरा आपसे कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है ख़ासतौर पे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को कहा जाएगा कि जी आप ज़रा रुक जाएं, पाकिस्तान को कहा जाएगा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, जबकि जानते हुए भी कि हिंदुस्तान ने सब कुछ किया। मेरा सवाल आपसे कि इस सूरत में हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए हमें? देखिए दो चीज़ें बहुत वाज़े तौर पे हमें समझनी चाहिए। एक बात तो ये है कि हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि इसको दहशतगर्दी की मुहिम जोई के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान को ये बात वाज़े तौर पे हिंदुस्तान को भी बैनुल अक़वामी से साबित करनी पड़ेगी कि अगर पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की जाएगी, चाहे वो फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी है, जमीनी या समुंदरी, पाकिस्तान इसको एक अलानिया जंग के तौर पर देखेगा और इसका जवाब अस्करी तौर पर दिया जाएगा। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ महज बयान की हद तक नहीं रखा जाएगा, और जब आप अस्करी तौर पर इसका जवाब देंगे तो जाहिर है इससे इस खत्ते के अंदर ना सिर्फ जंग बल्कि एक बड़ी जंग की तरफ भी जो है आप इस खत्ते को धकेलेंगे। इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो बयान आया है जिसमें वो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे जो भी वजूहत हों किसी को उसकी पुष्पनाई नहीं करनी चाहिए, ये बात समझना एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक वाजे फिजिकल एक्टिविटी जो की है इस वक्त हिंदुस्तान ने ये कोशिश की है उसका जवाब जाहिर है पाकिस्तान अस्करी तौर के ऊपर देगा, और जब अस्करी तौर पे आप जवाब देंगे तो उसका
उसके बाद हिंदुस्तान के पास क्या जवाब रह जाता है? अगर पाकिस्तान की फजाइया जाती है और हिंदुस्तान के अंदर ही काउंटर स्ट्राइक करती है, अगर इस काउंटर स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान क्या जवाब देगा कि 100 बिलियन डॉलर के उन्होंने अखराजात किए, उन्होंने पिछले 10 साल से वो एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत काम कर रहे हैं लेकिन वो हिंदुस्तान का मौसम दफा नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात है कि इन अहदाफ से वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। मुमकिन नहीं होता कि आप कोई भी दहशतगर्द ग्रोह जिस तरह वो क्लेम करें आप उसको ऑपरेशनल एरिया में रखें, ये किस तरह मुमकिन है कि 300 लोग वहाँ मौजूद थे और जिनको उन्होंने आके अटैक किया और ये वापस चले गए। डॉक्टर मारिया, कोई चीज वाजिया होनी जरूरत है। डॉक्टर मारिया, ये जो जो वाकया हुआ है, ये इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी स्टेटमेंट, उसके बाद मोदी साहब की एक स्टेटमेंट आई कि जी हमें कश्मीरियों के खिलाफ नहीं लड़ना, कश्मीरियों के लिए लड़ना है, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा हमारी जंग जो है गुर्बत के खात्मे के लिए, और यही वादा इमरान खान ने भी किया था, और मैं चाहूंगा, ये मोदी साहब की स्टेटमेंट थी कि मैं चाहूंगा कि इमरान खान अपना वादा पूरा करें, जिसका जवाब फिर उन्होंने दिया कि हम तो अभी भी वही चाहते हैं, लेकिन जो हरकत या जिस किस्म का जवाब मोदी साहब ने दिया पुलवामा के बाद, तो वो खराब करने के मुर्तकिब ठहर रहे हैं कि हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमारा डिसीजन है, मुझे एक बात बताएं कि क्या मोदी सरकार जो है, क्योंकि वो अगर 5 रियासतों में इलेक्शन हार चुके हैं तो अब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह निकालना चाह रहे हैं, और आपको मालूम है कि इंडियन इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान सेंट्रिक ही होता है, और मोदी सरकार का तो खैर डे वन से भी यही है कि बस पाकिस्तान बैशिंग करके वोट जीतना है, तो अभी आपको क्या लगता है कि ये एस्केलेशन जो है ये मोदी साहब खुद भी चाहेंगे, या अगर पाकिस्तान कुछ जवाब देगा तो उसके बाद इसमें एस्केलेशन होगी? देखिए इस वक्त मोदी की कोशिश यही है कि वो एस्केलेशन करें लेकिन पाकिस्तान जवाब ना दे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान जवाब देते हैं तो जाहिर है हिंदुस्तान को एक दिन की जो जंग है पाकिस्तान या हिंदुस्तान के दरमियान उसका जो खमियाजा है वो शायद हिंदुस्तान की मईशत अगले 10 साल तक ना उठा सके। पाकिस्तान को पिछले 15-17 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ और एक हालत जंग में, हमने तो जंगी एतबार से जो सैंक्शन जो बाकी तमाम चीजें हैं उसका खमियाजा उठा लिया, लेकिन जो हिंदुस्तान की मईशत तरक्की के लिए अगर इस किस्म की सैंक्शन उन पर लगती हैं तो जाहिर है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उठेगा हिंदुस्तान की मईशत के लिए, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, कि एक महदूद सतह की जंग के बजाय वो हिंदुस्तान को एक बड़ी जंग की तरफ ले गई। इसलिए इस वक्त उनकी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी हुकूमत पर तासर पैदा किया जाए कि आप उसका कोई अस्करी जवाब ना दें, लेकिन पाकिस्तान ने आज ये बात वाजे कर दी है कि आप जवाब देंगे, आप हिंदुस्तान को सोचने का वक्त आ गया कि जवाब कहाँ आएगा और किस तरह आएगा, कहाँ आएगा और किस तरह आएगा। अच्छा, थोड़ी सी अगर इंडियन पॉलिटिक्स पे भी जो है वो नजर डाली जाए तो हमेशा मोदी का तो ये स्टांस रहा है, एंटी पाकिस्तान हमेशा रहा है, वहां पे जनरली ओवरऑल पॉलिटिक्स में ही रहा है, लेकिन ऑपोजिशन है सम हाउ रेजिस्टेड इट। पुलवामा अटैक के बाद ऐसे लगता है कि चाहे मीडिया है, चाहे ऑपोजिशन है, चाहे उनकी आर्मी है, चाहे वो खुद है, देयर इंसाइटिंग दिस, कि वो चाह रहे हैं कि बात इस तरफ जाए, जंग की तरफ जाए, और अगर हम कहते हैं कि वो तैयार है जंग के लिए और हम जवाब भी बिल्कुल देंगे, हम लोग चुप करके नहीं बैठेंगे, कैन वी अफोर्ड इट कि इस वक्त जो है ये वॉर हो जाए और इसकी वर्ल्ड वाइड रेपरकशंस, क्योंकि हमें पता है कि क्या होंगे ऑन ह्यूमन लाइफ। देखिए कोई भी जंग आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत ये भी है कि आप ये भी अलाउ नहीं कर सकते कि आपकी हदूद की खिलाफ वर्जी की जाए और आप पे जंग आयद की जाए, क्योंकि अगर आप पे जंग आयद की जाती है तो जाहिर है फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर आपके लिए ये एक वाकया जो है एक रोजमर्रा का वाकया बन जाएगा। आज वो एक तरफ करेंगे, कल वो दफे टैक्स करेंगे, और जिस तरह का वो नैरेटिव चाहेंगे उसके तहत आपके खिलाफ फिजिकल कार्रवाई करेंगे, तो फिर आप अपने बुनियादी हकूक की तहफ़ कैसे करेंगे? इसलिए हमें ये एक मुश्किल फैसला तो है, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत को भी, हिंदुस्तान के लोगों को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान पर जंग आयद करने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब आएगा, और अगर वो जवाब आएगा तो क्या वो उसके लिए तैयार हैं? इस वक्त सियासत से बढ़कर सचमुच जो इस वक्त इस खत्ते की हकीकत है उसको समझने की जरूरत है, और वो ये कि इस वक्त दो एटमी ताकतें यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त दो एक बड़ी जंगी ताकतें यहाँ मौजूद हैं, और उनका जवाब जाहिर है अस्करी और फिजिकल डोमेन में ही आएगा। डॉक्टर मारिया, आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, तो शाम साहब वापस आके आपके सवाल से ब्रेक के बाद आ रहे हैं।
वेलकम बैक टू द शो. एहतिशाम साहब, मुझे बताइएगा कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि इंटरनेशनल ऑब्वियसली प्रेशर भी होगा, बिकॉज जिस तरह डॉक्टर मारिया ने भी कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त वॉर, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड दिस वॉर, लेकिन अगर हम रिटेलिएट नहीं करते हैं तो अगेन वो इसको कमजोरी समझी जाएगा और यही चाहता है इंडिया कि हम जो है रिटेलिएट ना करें. तो ये तो बहुत ही डेड एंड सा बन गया है ये, मतलब क्या क्या सिचुएशन हो गया. खाली इंडिया नहीं चाहता, उसके नरम गोशा रखने वाले पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं, कुछ मीडिया हाउसेज भी शायद यही चाहते हैं, हम नाम नहीं लेते उनका. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं. शाह साहब, वैसे ये आपने बात तो सही की है, लेकिन ये है कि मैं आज सुबह से ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया फॉलो कर रहा हूँ, तो बाय एंड लार्ज वो कुछ थोड़ा सा शिफ्ट है उसमें, क्वेश्चंस के साथ उठा रहे हैं वो जो एक वो एक जिन मीडिया जमीर साहब. यहाँ पे मुझे बड़ी बड़ी आज मैंने एक बात सुनी, एक हमारे एनालिस्ट हैं मतलब, उन्होंने कहा कि ये ऐसा मौका है जहां पर हमें दिखाना चाहिए कि हम सब जो है एक साथ है, नवाज शरीफ को भी जेल से निकाल लें, जरदारी भी बैठ जाए और सब मिल के जो है ये दिखाएं कि वी आर ऑन द सेम फुट. इतना इतनी मजबूरी नहीं है हमारी किसी के जमीर. सुने, मैं जो बात कर रहा था ना, ये छोड़े इस बात को, देखें जिस तरह हिंदुस्तान के मुकाबले में पब्लिक ओपिनियन वहाँ पे अभी भी डिफरेंट है ना, फॉरन अगेंस्ट चल रही है, मोदी के खिलाफ बेशुमार लोग हैं जो उसको एग्जाम. हमारे यहाँ देखें, ये आप अल्लाह का शुक्र है कि ये बिल्कुल सारे इशू पे पूरी ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी, फौज, सिविल, सारे अदारे, मीडिया, आवाम सबसे बड़ी सारे पीछे. अब देखें, मैं जो बात कर रहा था ना कि आज जिस तरीके से नेशनल असेंबली का इजलास हुआ, वहाँ पे कल करारदाद मंजूर की गई, फिर अब कल जॉइंट सेशन कॉल कर लिया गया. दिस इज अ वेरी गुड ओमेन. आज पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप मिलती है और कल जो है ना नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग हो रही है. जमीर, आपको अंदाजा है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बड़ा अदारा है. सर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो नेशनल, देखिए इसका इजलास बुलाने का मकसद बड़ा वाजे है. ये हम किसी को धमकी नहीं दे रहे, हम किसी को वॉर नहीं करने. ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरह मैं बता रहा था एक बड़े अहम आदमी से बात, उसने कहा कि ये हमारे लिए डू और डाई का मसला है. अगर जिस तरीके से हिंदुस्तान ने आके बकौल अपने निज़ामी साहब के जो कहा करते हैं आरिफ निज़ामी साहब के, जो खच मारी ना इंडिया ने, ये जो हरकत की है फजूल किस्म की, उसके बाद से उनके लिए बचना मुमकिन नहीं है कि वो इसी तरह चले जाएं और हम कहेंगे जी ठीक है, हम चुप के दबाव, शायद हमने गलत काम किया तो हम दबाव में आके चुप कर जाएंगे, अब रिटेलिएट नहीं करेंगे. मेरा ख्याल है DGISPR का बड़ा वाजे बयान है कि आप छोड़ दें, ये हम फैसला खुद करेंगे. तो मेरा ख्याल है चीज़ें एस्केलेट होती नज़र आ रही हैं. अब मुझे जो लग रहा है जमीर, आज के अखबारात आप देखें, अच्छी बात है अखबारात अपडेट साथ साथ दे रहे हैं, मैं बाहर के अखबारात को मैंने देखा. सर, डॉक्टर मारिया हमारे साथ हैं, आप उस वक्त सवाल पूछ रहे थे. जी मारिया, मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा था कि हिंदुस्तान जिस तरह यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं पाकिस्तान में, सिविल मिलिट्रीज, आम आदमी भी, सिविल सोसाइटी भी, मीडिया भी, हिंदुस्तान में आज जिस तरीके से पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं, पाकिस्तान ने अपना बड़ा भरपूर रिजॉल्व शो किया है कि हम जवाब देंगे और कल नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी है, इसके जवाब में हिंदुस्तान से जो खबरें आई हैं उनके कुछ लोग बड़े परेशान हैं. मैंने देखा उनके फुटेज भी कुछ चलाई कुछ टेलीविजन ने, उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो अब करेगा इसके लिए हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, तो कोई रास्ता वापसी का ढूंढना चाहिए. तो आपके ख्याल में ये जो वहाँ पर सेनर वॉइसेज चाहे थोड़ी हैं, वो जो कह रहे हैं कि वापसी का रास्ता मोदी इख्तियार करें, तो आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, अभी तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात शुरू हुई हैं, क्योंकि उनकी तमाम तवक्को ये थी कि पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देगा और अगर जवाब देगा तो गैर अलानिया जवाब देगा. आपने वाजे तौर पर हिंदुस्तान को ये कहा है कि आप जंग और पाकिस्तान के जवाबी रिस्पॉन्स के लिए तैयार हैं. अब हम उसका जवाब किस तरह देते हैं, कहाँ देते हैं, अब ये हिंदुस्तान की बारी है कि वो हाई अलर्ट पे रहें और सोचें इस बात में, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है और ये कोई आम हरकत नहीं जो हिंदुस्तान ने की. दूसरी बात ये है कि ये तमाम तक डॉक्टर मोदी ने इसलिए दिया था क्योंकि उनको इस बात का पूरा जो है एक लिहाज से आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस था कि शायद पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं देगा. अब सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में है कि क्या हिंदुस्तान सच को जंग लड़ने के लिए तैयार है, उनकी हुकूमत, उसके लोग इस वक्त एक जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है. हम अपने मुल्क की दफा के लिए हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार है और हम पिछले 17 साल से जंग ही लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रदर्शन के आदेश के लिहाज से देखें, चाहे हिंदुस्तान की तरफ से इल्जाम तराशी की, या आप अगर मत भूलें जो इन्होंने हमारे साथ सलाला में किया. तो इसलिए आप तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है. और जाहिर सी बात है इस वक्त सियासत जो सिचुएशन है सियासी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जो इलेक्शन की सारी तमाम चीजें चल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला हिंदुस्तान के लिए खड़ा हो सकता है अगर इस वक्त वो जंग करते हैं. कोई मुल्क दौरान इलेक्शन इस किस्म की हरकत नहीं करता.
या इस वक्त ये केस ऑन होता है। हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की है कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, पाकिस्तान हर हालत में जवाब देगा। बिल्कुल, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है डॉक्टर मारिया, मुझे बताएगा आपने जिस तरह कहा कि एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है पाकिस्तान के ऊपर होगा कि वो रिटेलिएट ना करे, इसी तरह इस वक्त सिचुएशन इंटरनेशनल फोरम पे नजर आ रही है, ये बात जो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स की वजह से वहां इंसाइट किया जा रहा है या जो उन्होंने LOC क्रॉस किए, तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी के कोई सैंक्शन नहीं है जो इस वक्त इंडिया पे अप्लाई हो सके इस हरकत के लिए? देखिए, इस वक्त उसके लिए आपको, उन्होंने हमारे से पहले दो हाथ आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन आई है इस अटैक के बाद, उसमें उन्होंने तमाम तर पलता जो है गैर रवायती नाकों को दहशतगर्दों के ऊपर लगाया, साथ साथ ये भी कहा है कि चाहे जो भी वजूहत हों दहशतगर्दी की, उसको आप किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा। ये उन स्टेटमेंट रीड करती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो इंडिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग का फैसला हो सकता है या इलाकाई अमन खराब हो सकते हैं, उसके लिए अभी तक आपने कोई मूवमेंट नहीं किए। इस वक्त जो आपकी बंदूक है उनको वहाँ खासतौर के ऊपर मुतहरक होना पड़ेगा और आपको ये बात दुनिया को बतानी पड़ेगी कि ये एक अलानिया जंग है और पाकिस्तान इसको एक अस्करी नौयत की तरंदाजी के तौर पर देखेगा, किसी और तरह की तरंदाजी के तौर पर नहीं देखेगा। डॉक्टर साहब ये नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो इजलास बुला लिया, ये तो एक दुनिया, मतलब हिंदुस्तान को तो जो मैसेज हम दे रहे हैं वो तो मिल ही रहा होगा उसका, लेकिन दुनिया के लिए भी तो ये बहुत तश्वीशनाक बात है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी, मतलब एज वी से इन कोर्ट्स, तो ये तो एक, मतलब दुनिया के लिए तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि जी पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया है एंड मतलब दे कैन डिस्कस एटलीस्ट कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, तो दिस इज वेरी अलार्मिंग, क्योंकि इस वक्त तो दुनिया यकीनन हम अभी उस हद तक तो नहीं जाएंगे, ना इंडिया जा सकता है, लेकिन ये दिस इज वेरी अलार्मिंग, तो दुनिया इंडिया पे प्रेशर नहीं डालेगी इसके बाद कि जी लोग कहां पे किस ब्रिंक पे आप ले आए हैं ये सब कॉन्टिनेंट सिचुएशन को? देखिए, बात यह है कि इस बात का फैसला कि आप किस रेंज तक जाते हैं या नहीं जाते हैं, जाहिर है ये आपकी मिलिट्री कमांड करेगी। दूसरी बात यह है कि ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जमीनी तौर पर क्या सिचुएशन है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत अच्छे से, हिंदुस्तान में जो इंटरग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, अपनी बैटल ग्रुप्स को पाकिस्तान से 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर सिचुएट किया हुआ है, यानी कि वो वहां मौजूद हैं। जाहिर है वो एक लिहाज से अपनी मोबिलिटी को तेज करना चाहते थे, पाकिस्तान से एक तेज जंग आयद करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने तमाम तमाम चीजें की, लेकिन उनकी पूरी कोशिश ये थी कि बगैर बाकी आर्मी को, बगैर बाकी तमाम चीजों को मुतहरक किए बगैर, वो शायद एक फिजाई हरकत करके या एक क्रूज अटैक करके ये कर लें। बिल्कुल। वेलकम बैक टू शो। जी जमीर साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, नेशनल कमांड अथॉरिटी के बारे में आप बात कर रहे थे। देखिए सुंदर, नेशनल कमांड अथॉरिटी का मेरा एक कंसर्न जो था ना, वो ये कि हमने तो प्रीएम्प्ट कर दिया कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हमने बुला लिया है, और जिस तरह DGISPR ने कहा कि आपको मालूम है कि उसमें क्या डिस्कस होता है और क्या स्ट्रेटेजिक, एक्चुअली वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक वेपन्स के हवाले से आपकी ये कमांड अथॉरिटी है, तो उसका इजलास है, तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर इस नहज तक मोदी ने पहुंचाया है इस खत्ते को, तो फिर दुनिया को भी सोचना चाहिए कि क्या कौन गलत है कौन सही है। दूसरा ये कि कल मतलब आज सुबह के वी आर्स मतलब रात के अंधेरे में वो कबड्डी का नहीं होता, कबड्डी करके वो हाथ लगा के भाग जाता है, जिस तरह कबड्डी का खेल खेल के चले गए, लेकिन अभी इतलात ये आ रही है और इंडिया टुडे जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि अवैक्स तैयारे जो हैं वो उन्होंने हवा में उड़ा दिए हैं और अपनी तमाम फोर्सेज, नेवी और आर्मी और सबको रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बात यह है कि चीजें जो हैं वो अब एस्केलेट होती जा रही हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने, जिस तरह अभी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बोला है कि अब हम रिटेलिएट करेंगे, रिस्पांस देंगे और इट वुड बी अ सरप्राइज ऑफ हमारे अपने जो खुद जो हम चूज करेंगे। मैं ये समझता हूं कि ये जो इन्होंने अभी जो सिचुएशन है, तो अब दे हैव टू बी, मेरा ख्याल में थोड़ा सा जो है ना प्रीएम्प्टिव उनको मेजर्स अब जो है वो लेने पड़ेंगे। दे हैव टू बी वार्न्ड। हमारे साथ इकराम साहब, हाई अलर्ट, नॉट रेड, हाई अलर्ट को कहते हैं। हमारे साथ इकराम सेगल साहब है, डिफेंस एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का।
अच्छा सर, मुझे प्लीज बताएगा कि अभी जो जिस तरह बात की जा रही है कि बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो एस्केलेट कर रही है, इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है पाकिस्तान का जवाब देना भी, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, और जो उन्होंने क्लेम किया है इंडिया ने वो कहीं नजर नहीं आया, हालांकि कहते हैं कि आजकल के जो फाइटर जेट्स हैं उनमें कैमराज होते हैं, जिस जगह को वो टारगेट करें, जो वो कहें वो अपने मीडिया पर दिखा सकते हैं कि हम ये करके आए हैं, पर वो भी कुछ दिखाया उन्होंने नहीं है, और यहां पर कोई सबूत है नहीं कि वो कोई ऐसी कार्रवाई करके गए हैं। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में अब आगे क्या होगा, क्या कोई वॉर ऑन द ब्रिंक है, क्या होने वाला है? देखिए, बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि उनकी जो बसना के एक कार्रवाई थी वो नाकाम रही है, और ऑब्वियसली उसकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो अपने तरफ वो काफी रूप में आज पर किया हुआ है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब वो जो कुछ भी है, कार्रवाई नाकाम हुई ना होती, लेकिन बात यह है कि लाइन उन्होंने क्रॉस कर दिया है और हमें एक पोजीशन में डाल दिया है कि हमें अब रिटेलिएट करना जरूरी है। उसके और हमारे दरमियान में फर्क ये है कि हम एक तो सिविल पॉपुलेशन का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई भी उनकी, क्योंकि हम जाएंगे मिलिट्री टारगेट से, आप हमें देखना पड़ता है कि सिविल पॉपुलेशन कहीं ना यहाँ और मिलिट्री टारगेट जो है कट है, क्योंकि हमारी अटैक जो होगी वो कितनी मेजर्ड होगी और इतनी डिवास्टेटिंग होगी कि उनको ये पता चलेगा। आज जिस तरह शाम जी कह रहे थे पहले मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोट किया है, मैं मुझे हमारा रिस्पॉन्स वो स्टमक कर सकते हैं अगर, और अगर वो देख करते हैं जो वो जरूर करेंगे, ऑब्वियसली हमारा रिस्पॉन्स इस तरह नहीं होगा जिस तरह इनका था, क्यों हमारे पास कोई बॉलीवुड नहीं है कि हम कहानी बना सके। तो ये इसमें डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये एस्केलेट करे। और इसमें सैकल साहब मैं पूछना चाहूंगा, आपका आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम में छपा, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से ये सारा बताया कि सूरतयाल किधर जा रही है, वॉर्न किया आपने कि जो हिंदुस्तान ये कर रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर हमारे कहते हैं एक्ट ऑफ एग्रेशन कमिट किया हिंदुस्तान ने, रेड लाइन सब लोग कह रहे हैं क्रॉस कर ली है, अभी आप क्या देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास अब क्या है, हिंदुस्तान के पास क्या है? जब रेड लाइन क्रॉस कर दिया हमारे पास ऑप्शन ये है, बट ये बात मैं जरूर कर दूं कि हमें नी जर्क रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई अभी कर दिया, हमें अपना टाइम लेना चाहिए, ठीक है जी, हमें टाइम लेके वक्त लेके और फिर रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो इमीडिएटली एक्सपेक्ट करेंगे हम कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेंगे, जिस तरह आपने भी कहा कि एवैक्स उनके अप्लाई कर रहे हैं, उनके बाकी रेड अलर्ट पर चले गए वगैरह, तो हमारे रिस्पॉन्स जो होनी चाहिए वो जो सरप्राइज की एलिमेंट जो है वो तब आती है कि जब आप सोच समझ करके चॉइस करके टारगेट और उस वक्त उनको हिट करें जब उनकी रिस्पॉन्सेज थोड़ी डाउन हो, तो आप इमीडिएटली करेंगे तो तैयार है वो, ठीक है। सैगल साहब वो रेड अलर्ट नहीं, वो कहते हैं इट्स अ हाई अलर्ट, अवैक्स और तमाम फोर्सेस को उन्हें हाई अलर्ट पे किया है, अवैक्स तैयारे उड़ा दिए हैं, और अब ये एक जो सिचुएशन है, और अभी इस वक्त इंडिया टुडे ये लाइव बता रहा है ये सिचुएशन। हाँ ठीक है जी, बिकॉज ऑब्वियस दे एक्सपेक्ट कि भाई हमारी रिएक्शन आएगी आज रात को आएगी, पर हम क्यों करें आज रात को, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर 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 एक कहावत है, इफ मैन बी द वेपन द बुलेट दैट वेपन फायर्स मस्ट बी सरप्राइज, एलिमेंट इनिशिएटिव हमारे हाथ में है, उन्हें रेड लाइन क्रॉस किया, हम टाइम एंड स्पेस हमारे पास है, हम क्यों करें, हम करें लेकिन अपने सोच समझ के और ऐसे अटैक करें कि उनको भी पता चले कि ये अटैक आएगी। नहीं सैगल साहब, अगर उन्होंने दोबारा इसी तरह मतलब वायलेशन की एलओसी क्रॉस करके आ गए, अगर दोबारा मतलब होता है, हम तो अब अलर्ट पे हैं, जिस तरह मेजर जनरल आसिफ वफूर ने कहा कि हम तो मतलब वो जो उनका वो कॉम्बेट एयर पेट्रोलिंग कंटिन्यूअसली चल रही है, लेकिन अगर वो दोबारा करते हैं वायलेशन तो फिर क्या रिजल्ट होना चाहिए? नहीं, अगर दोबारा वायलेशन फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, फिर जो भी टारगेट हमने सेलेक्ट किया वी मस्ट गो फॉर दैट टारगेट। सर एक छोटी सी, इकराम सैगल साहब प्लीज हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू द शो जी, एहतशाम साहब आप सवाल। मैं सैगल साहब ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से अब लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हुई है, एक एग्रेशन कमिट किया गया है, सारी दुनिया ने भी देख लिया है, मेरा सवाल आपसे है कि आप जिस तरह पाकिस्तान इस तक बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पे है, इंटरनेशनल कम्युनिटी देखेगी कि पाकिस्तान का स्टांस सही है, पाकिस्तान को किस तरह पैसिफाई हम कर सकते हैं, आपके ख्याल में हमें इस हवाले से किस तरह पैसिफाई किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान की बड़ी अहम पोजीशन है, एंड फॉर डिफरेंट रीजंस विद डिफरेंट पीपल। सबसे पहले आगे आपकी एक अमेरिकन के साथ जो उनकी लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉर है अफगानिस्तान को, वो उनको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आ रहा है कि शायद वो खत्म हो जाए और वो पाकिस्तान की वजह से खत्म होगा।
था। दूसरी तरफ आ गया रूस एंड चीना, जो जो लास्ट 10 ईयर्स में उनकी पूरी इस यहाँ पर लोकल एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, वही रूस एंड चीन जिनको लोग यहाँ रीजन सबसे से पाकिस्तान की वजह से वो सेंट्रल स्टेज पर यहाँ पर आ गया है। तो नेचुरली ये प्रेशर तो उनकी होगी और इंटरनेट जरूर होगी, लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादातर प्रेशर जो होती है वो मटीरियल प्रेशर होती है। मटीरियल प्रेशर क्या है? मटीरियल प्रेशर ऑयल है। उनको 3 जगह से ऑयल मिलती है अभी, एक ईरान से मिलती है, एक सऊदी अरेबिया से मिलती है और एक UAE से मिलती है। अगर ये लोग अगर इस पर प्रेशर डालें तो मैं नहीं सकता कि वो सेगल साहब, आपने अभी ये बड़ी अच्छी बात की मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर की, ऑयल एक मटेरियल प्रेशर बनता है, लेकिन हमने जो देखा जिस पे आज शाम महमूद कुरैशी साहब ने भी क्वेश्चन उठाया कि सुषमा स्वराज को OIC में मधु करना, इट्स मतलब अमेजिंग फॉर पाकिस्तान, और हमें बताया ना ऑब्जर्वर और ना ही पाकिस्तान से इजाजत ली गई या पूछा गया या बताया गया, और दूसरा ये कि वो तो ना मेंबर है ना ऑब्जर्वर भी नहीं है OIC के। देखिए फॉर उनको वहां पर बुलाया गया, अब हम तो नहीं कह सकते कि क्या बात होती है, आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन अ दोस ममालिक बिकॉज UAE हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू अस इन द रीसेंट पास्ट, बट रादर इन द रीजेंट पास्ट, नॉट इन द रीसेंट पास्ट। बात यह है आपको ये आप ऑब्वियसली आप इसको काउंटर करना पड़ेगा एंड काउंटर इसका करना पड़ेगा। लोगों ने इनको बोला कि आप जाए इसके खास पास, आप जरूर जाए और उस वहां पर आप जो उनको सुनाना है आप सुनाए, क्योंकि वो एक फोरम है यहाँ पर ममालिक आपको सपोर्ट करती है, ये नहीं सोचे तो इंडिया को सपोर्ट, ठीक है। और नेचुरली आप देखिए दूसरी बात, आप देखिए आप अगर आपके आज अगर इंटरनेशनल इस्लामिक मिलिट्री कोलिशन अगर साउथ तरफ से बना है तो उसका सरबरा कौन है? उसका पाकिस्तानी एक सरबरा है, ठीक है ना सर। सर ये सर ये सारी बातें बजा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी सब कुछ देख रही है, बट समहाउ व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, इवन इफ इट्स द एट्रोसिटीज इन कश्मीर, चाहे इंडिया का स्टांस हो या ये जो फाइटर प्लेन्स यहां पर आए थे, इफ वी हैड शॉट देम डाउन दे समहाउ टर्न द ब्लाइंड आई। तो प्रेशराइज सिर्फ हमेशा पाकिस्तान को ही क्यों डॉसाइल रहने के लिए किया जाता है? इस वक्त एक जो है मतलब इस वक्त जो रेप्रिमांड करना चाहिए वो तो इंडिया को करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर जो उन्होंने इनिशिएट किया है। देखिए अगर आज भी जिस तरह जमीर आजम साहब कह रहे थे शाम कि आपने अगर तहरीर को पढ़ी हो स्टेटमेंट और अगर तहरीर कमेंट्स पढ़ी हो न्यूयॉर्क टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मेरी आपको वहां पर दे देगा अनलेस दे थिंक समथिंग दैट देयर इज समथिंग एक्सेप्टेबल इन इट। आप समझिए ये आप बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वो इकराम सागर की बकवास नहीं सुनेगा जब तक वो समझता नहीं कि इकराम सागर कोई बात कर रहा है जो यहाँ पर मैंने कन्वे करना है। तो देखिए आपको देखिए हमें प्रॉब्लम ये है, हमें ये प्रॉब्लम है, मैं तो आज तक नवाज शरीफ से कुलभूषण यादव के बारे में किसी के कहीं पर, ठीक है जी, आज तक हमने सत्तारी के बारे में नहीं सुना यूसुफ कुलभूषण यादव के बारे में। तो दो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो आपकी इंटरनली बात करते हैं, आप एक्सटर्नल की क्या बात करती हैं? बिल्कुल। तो बात ये है कि आप अपने मैन को ये बताइए कि अपने रीजन होंगे जो भी इनके, लेकिन बात यह है कि आपको इमेज अगर करते तो आप अपना इंटरनल जो 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 है एक बात पर तो रजामंद हो, और वो ये है कि इस मोमेंट आपके पास एक बुरान है जो चेक किया गया और जान भी क्रिएट किया गया। अगर प्रियंका इलेक्शन के लिए मोदी साहब की हालत ये नहीं होती तो हमारी ये नहीं होती ब्रिंक ऑफ वॉर, ये तो मैं नहीं कह रहा, तो इंडियन खुद कह रहे हैं विद इन इंडिया, ठीक है ना जी। तो बात आप यह है कि आपको इमेज करना, दूसरी बात ये मैं आज ही बोलता हूँ इंस्टेड ऑफ होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस देयर, आज आपके पास 50-60 आपके रिटायर्ड एम्बेसडर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या है, आप इमीजिएटली उनको रवाना करें, इमीजिएटली उनको रवाना करेंगे वो कंट्रीज जाए जहां पर वो पहले उनकी उनकी नॉलेज है, उनकी असर सूख है, उनके कॉन्टैक्ट है, और जाके पाकिस्तान की पोजिशन एक्सप्लेन करें, ठीक है ना जी। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, यू नो ये बस यहाँ पर फोटो आप छुट्टी देखते हैं, हमने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जी, हमने लोगों को बुला दिया, हमने धमकी दे दिया, अपनी बात करते दे डोंट थिंक ऑफ द कंट्री। मैं बहुत सालों से मैं डाइवोर्स में मैं देखता रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वो होती है जो वहां पर जाता है खाना पीने के लिए, और बाकी जो जाते हैं वो पाकिस्तान की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होती नहीं है वहाँ। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल, आपको इमेज अपनी ठीक करना है तो आप जाके वहां पर आपने ठोस कदम लेना होगा, और ठोस कदम लेते हैं। कंडेमनेशन आनी चाहिए सागर साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से हिंदुस्तान ने जो किया कंडेमनेशन आनी चाहिए। आप भी पूछ ले सर साथ ही फिर हमारे खत्म हो रहे जी। देखिए आपके ऊपर कंडेमनेशन नहीं आई है,
आपके पास कंडेमनेशन नहीं आएगी, ये बहुत बड़ी बात है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अगर ये बहुत सी जगह में ये होती है कि कोई नेगेटिव चीज नहीं आए तो वो आपको पॉजिटिव ले, ठीक है ना, पर्टिकुलर इस एटमोसफेयर में। आपके पास किसी भी कंट्री में कंडेमनेशन किया, बिल्कुल पहले वो बोल्टन साहब कुछ बात बकवास कर गए थे बिगनिंग में, उसके बाद उन्हें भी बात नहीं की है। बिल्कुल, एक एनिमी विद इन की भी आपने बात था कि एक एनिमी विद इन जो है हमारे अंदर, उसको भी जो है खत्म करना चाहिए और फोर फ्रंट पे जो है बात करनी पड़ेगी, आगे जाना पड़ेगा, इंटरनल पॉलिटिक्स उसको छोड़ के कंट्री को एट द फोर फ्रंट जो है रखना होगा। थैंक यू सो मच इकराम सहगल साहब, आपने अपना टाइम दिया, हमारा वक्त प्रोग्राम का खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।